अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर हमला बोलते दिखाई देते हैं, चाहे उसमें किसानों का मुद्दा हो या फिर कोई सरकार को घेरने वाला विषय। लेकिन इन सब के बीच वो 2022 में होने वाले प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इनके सामने एक बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। अक्सर अन्य पार्टियों में पड़ी गुटबाजी को लेकर मुखर आवाज में बोलने वाले अखिलेश यादव खुद की पार्टी में पड़ी गुटबाजी को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों के बीच तल्खी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंच गई है। उन्होंने बीते दिनों शहर में हुई घटनाओं का संज्ञान लेकर पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की नाराजगी को देखते हुए जल्द स्थानीय संगठन में फेरबदल के आसार दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में तेजी से इसकी चर्चा भी जोरों पर है। सपा के स्थानीय संगठन की ओर से बीते दिनों हुए कार्यक्रमों में नेताओं के बीच गुटबाजी साफ दिखाई दी। पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों ने तीखी झड़पें भी हुई। कुछ दिन पहले महानगर इकाई के दो पदाधिकारियों में खासी नोकझोंक भी हुई। एक पदाधिकारी ने दूसरे को जूता उतार कर मारने की बात तक कह डाली। इस पर पदाधिकारी ने शीर्ष नेताओं को लिखित शिकायत भेजी है। अब मामले का संज्ञान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लेंगे। उन्होंने घटनाओं की सत्यता जानने के लिए स्थानीय पदाधिकारियों समेत कुछ वरिष्ठ नेताओं से रिपोर्ट देने को कहा है। यहां से रिपोर्ट भेजी भी जा चुकी है, जिसमें कार्यकर्ताओं के बीच आपसी तनातनी की बात कही गई है। साथ ही यहां नेताओं के बीच चल रही गुटबाजी के बारे में भी बताया गया है। ये भी कहा गया है कि पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच का मन मुटाव पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। स्थानीय संगठन में इस तरह की घटनाओं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष खासे नाराज हुए हैं। उनकी नाराजगी की वजह से स्थानीय संगठन में जल्द फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है। इसकी जानकारी होने पर स्थानीय नेताओं और पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में इसकी जानकारी होने पर स्थानीय नेताओं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खलबली मचती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।